आज सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल कश्यप ने निकट लिप्टन क्लब कंपनी बाग मुरादाबाद में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सर्वजन लोक शक्ति पार्टी देश व गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी व अपराध वृद्धि चरम सीमा पर है। इस सब के विरोध में सर्वजन लोक शक्ति पार्टी पूरे देश में सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी। इस अवसर पर मुरादाबाद शिवसेना जिला प्रमुख व तुरह कश्यप विकास समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरह को सर्वजन लोक शक्ति पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्त किया। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर निकाय चुनाव पार्टी प्रत्याशियों को मजबूती से लड़ाए जाएंगे। चुनाव से पहले एक अपना संदेश देना चाहिए। ये देश ऋषि मुनियों का देश, जाति और धर्म पर टिका हुआ यह देश। 6,743 जातियां इस देश में निवास करती हैं। सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के सिद्धांत, इनका एजेंडा सभी को मिले मान और सम्मान और सबको मिले रोटी, कपड़ा और मकान, यही है हमारी सर्वजन लोक शक्ति पार्टी का विधान। हम लोग जो भारतीय संविधानिक अधिकारों से वंचित लोग हैं, जिनको मौलिक अधिकार नहीं दिए गए, जिनको राजनीति पार्टियों में हिस्सेदारी नहीं दी गई, हम उन सब धर्म को, सब जातियों को सर्वजन लोक शक्ति पार्टी में जोड़कर उनको सम्मान से नवाजना चाहते हैं, उनको जिम्मेदारी देना चाहते हैं, जिससे वो लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता और इंसानियत काम करें, जिससे देश के अंदर विकास हो, शैतानियत का खात्मा हो और इंसानियत की बहाली हो। ये सर्वजन लोक शक्ति पार्टी चाहती है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में 2019 में इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली निर्वाचन आयोग से हुआ। 5 बार ये चुनाव लड़ा चुकी है, 2 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा में भी चुनाव लड़ा। वोट बैंक के तौर पर लोगों ने वोट दिया, इन्होंने वोट देकर के हमारे उम्मीदवारों को उनका मान सम्मान बढ़ाया। मैं उनका सम्मान करता हूँ। आगामी 2024 में देश में लोकसभा का चुनाव है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आओ सब मिलजुल करके एक नया चिंगारी के तौर पर, एक नए सूर्य किरण के तौर पर इस देश में ये पार्टी स्थापित हुई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सब लोग हुए और रामेश्वर तुरह जी अपना आप पूरा अनुभव जो आपको पॉलिटिकल ग्राउंड में रहा है, आप बिना भेदभाव के सबको जोड़ करके उत्तर प्रदेश में जो 75 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की है, उन सभी सीटों पर सब समाज के लोगों को हम टिकट देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। किसी से कोई धनराशि नहीं ली जाएगी। कार्यकर्ताओं की सदस्यता हमारी 10 रुपये की है, उसको हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जमा करेंगे और हर जाति धर्म के लोगों को हम उम्मीदवार बना करके उनको सम्मान से नवाजा जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। उत्पीड़न बढ़ गया है, गरीबों का, मुस्लिमों का अन्याय बढ़ता जा रहा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। हम इस सब के लिए काम करेंगे और आपने देखा भी होगा हमें कलेक्ट्रेट पर आए दिन हम गरीबों बेटियों के लिए आंदोलन करते रहते हैं और अब जब हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो पूरे प्रदेश में काम करेंगे और हम जहाँ किसी पर भी अन्याय होगा उसके लिए हम सड़कें जाम कर देंगे और सड़कों पर उतरकर क्रांति करेंगे, उसे हर हाल में न्याय दिलाकर ही रहेंगे। विशेष सवाल ये आता है कि हर पार्टी मुस्लिमों को आगे लेकर वोट लेती है और हमेशा से यही चलता चला रहा है। मुस्लिमों के साथ में तो जैसे कि मोस्टली सभी पार्टियां भेदभाव करती हैं,
आपने देखा होगा हम पहले शिवसेना हमारी कट्टरवादी शिवसेना हिंदूवादी शिवसेना थी, लेकिन आपने मुरादाबाद में भी देखा होगा हमने बहुत मुस्लिमों के लिए संघर्ष किया, बहुत मुसलमानों को न्याय दिलाया है और शिवसेना में सांसद और विधायक भी रहे हैं महाराष्ट्र में। और आप हमारी वैसे भी सेकुलर पार्टी है, हम मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलेंगे। शिवसेना में भी हमारे साथ 10-15 मुस्लिम थे यहाँ जिला मुरादाबाद में, और पूरे प्रदेश में हम मुस्लिमों को साथ लेकर चलेंगे। जैसा कि पड़ोस के जिले में आप देख रहे हो मुसलमानों पर कितना अत्याचार हो रहा है, डर डर के मुसलमान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, डर डर के ज्वाइन कराया जा रहा है पार्टियों को, पार्टी में मुसलमानों को ज्वाइन कराया, जो दो दो बार का गुंडा एक्ट है, गुंडा एक्ट में निरुद्ध है और 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। पहले वो बदमाश टाइप का था, गुंडा था, और पार्टी में जाते ही वो गंगा नहा लिया, पाक साफ हो गया वो उस पार्टी में जाती। तो ऐसे जैसे जहाँ भी प्रदेश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है या गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा, हम वहाँ पर खड़े होंगे, भले ही हमारी जान क्यों ना चली। देश की जनता की मांग है कि राजनीति में कोई भी गुंडा और दागी नहीं आना चाहिए, क्या आपकी पार्टी भी कुछ ऐसा लेके चले? हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी में कोई भी जैसे गुंडा है या बदमाश टाइप का है, हम ध्यान रखेंगे कि वो हमारी पार्टी से ना जुड़े।